कैटरीना कैफ और विकी कौशल की जब शादी हुई तब ढेर सारे मीम्स और ढेर सारी खबरें जो है सोशल मीडिया पर आ रही थी और न्यूज़ पोर्टल्स पे आ रही थी, और ये सारी खबरें क्या आपको पता है विकी कौशल तक पहुंच रही थी। सिर्फ विकी नहीं, कैटरीना तक भी पहुंच रही थी। और उसके ऊपर क्या कुछ रिएक्शन आ रहा था विकी का, चलिए आपको बताते हैं क्या कहा उन्होंने कॉफी विद करण के शो में, जो हमें कल से देखने मिलने वाला है। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त वेदांगी कर्णिक। बता दें आपको कि कॉफी विद करण में करण जौहर के सामने कॉफी काउच पर एक बहुत बड़ा रेवलेशन जो है विकी कौशल करने वाले हैं। उनके शादी को लेकर कई सारी चीज़ें थी, ऑफकोर्स इन्होंने बताया नहीं था कि हम शादी कर रहे हैं, बट ऑफकोर्स सबको बातें पता थी कि हाँ बाबा ये लोग शादी करने जा रहे हैं। कई सारे मीडिया ने उनसे रीच करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया और कहाँ शादी ऐसी तो कुछ भी चीज़ नहीं हो रही है। इनफैक्ट ये भी खबर आ रही थी शादी उनकी कैंसिल हो गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अलग अलग टाइप के चीज़ें जो है वो आने लग गई थी, अलग अलग टाइप के न्यूज़ आने लग गए थे कि कभी ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, तो कभी हेलीकॉप्टर से विकी कौशल एंट्री करने जा रहे हैं, ड्रोन्स शॉट डाउन किए जा रहे हैं, अगर आपको याद है ऐसी भी खबरें आई थी बीच में, और ऐसी अलग अलग चीज़ें थी जिसे देखकर एक्चुअली विकी और कैटरीना भर भर के हंसते थे। जी हाँ, ये सारी जो खबरें कहीं पे भी इंटरनेट पे आती थी या किसी भी चैनल अगर कोई भी दिखाता था कहीं पे भी, तो विकी और कैटरीना के जो दोस्त हैं एक्चुअली आफ्टर एवरी फंक्शन जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता था तब ये फनी मीम्स ट्वीट्स हो या मैसेजेस हो, हर एक चीज़ जो इंटरनेट पे आती थी ये सारी चीज़ें विकी और कैटरीना को पता होती थी, क्योंकि उनके दोस्त उन्हें ये पढ़ के सुनाते थे। और विकी ने कहा हम लोग एक्चुअली ये सब सुन के बहुत ज़्यादा हंसते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा करते थे, बहुत सारी रैंडम चीज़ें आ रही थी, एंड मैं तो मतलब बस पंडित जी को यही कह रहा था कि पंडित जी जल्दी निपटा देना, एक घंटे से ज़्यादा टाइम मत लेना। इस तरीके से विकी कौशल कहते हुए नज़र आए, और उन्होंने इस तरीके से चीज़ें शेयर की जो लोगों को लग रहा होगा कि शायद विकी कैटरीना को नहीं पता, भाई अपनी शादी में, अपनी शादी में बिजी होंगे, कहाँ कहीं ध्यान होगा। नहीं, उनका पूरी तरीके से ध्यान था कि न्यूज़ में क्या कुछ चीज़ें आ रही है, और वो सुन के हंसते रहते थे दोनों के दोनों। और ऐसे ही ढेर सारी चीज़ें कल रिवील होने वाली है कॉफ़ी विद करण में विकी कौशल की ओर से। क्या कुछ कहना है आपको, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आई विल सी यू गाइस सून।